नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस थेरेपी के एक और नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम दो बड़े अपडेट लेकर आए हैं, तो चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं। आप दोस्तों को पता होगा कि पाकिस्तान अपने वायुसेना के ताकत को इजाफा करने के लिए टर्की से 30 के नंबर में T-129 आताक अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने वाला था, जो सच में एक बेहद ही बड़ा डील था $1.5 बिलियन की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस हेलीकॉप्टर में जो इंजन यूज होता था वो टर्की यूएसए से इंपोर्ट करता था, मगर टर्की पिछले कुछ दिनों से रसिया के खेमे में जा रहा है और रसिया से S-400 खरीदने की वजह से यूएसए भी टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है। इसी कारण टर्की भी यूएसए से इंजन को खरीद नहीं पा रहा है, तो अब बीच में फंस गया है पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था टर्की हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के अलावा। बहुत दिनों तक ये डील अटकी पड़ी थी, मगर अब ये सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान के ISPR ने ये क्लियर किया है कि अब ये डील रद्द हो चुकी है। अब पाकिस्तान के पास ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है, वो है चाइना का J-10E या फिर J-10ME हेलीकॉप्टर। वैसे तो पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदना नहीं चाहता था, फिर भी क्या करें, और कोई देश इनको अटैक हेलीकॉप्टर नहीं देने वाला है। इससे पहले एक बार जब पाकिस्तान अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का टेंडर निकाला था, तब चाइना पाकिस्तान को 3 यूनिट J-10E को ट्रायल के लिए दिया था, मगर उनको कुछ दिन ट्राई करके पाकिस्तान चाइना को वापस कर दिया था, इसीलिए कि शायद उनसे पाकिस्तान सेटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि सिर्फ आप और हम ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी जानता है चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसा होता है, और इसका जीता जाता सबूत है JF-17 Thunder। तो चलिए डिटेल में ना जाकर इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। T-129 अटैक को टर्किश कंपनी टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री इटली के अगस्टा वेस्टलैंड के साथ मिलकर बनाता है। ये वही कंपनी है जो इंडिया में बैन है। ये हेलीकॉप्टर मेनली डेवलप्ड हुआ है अगस्टा A-129 मैंगुस्टा से, यानी ये हेलीकॉप्टर अगस्टा A-129 पे बेस्ड है। ये एक ट्विन सीटर मीडियम वेट अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी मैक्सिमम कैरिंग वेट है 5056 किलोग्राम और मैक्सिमम स्पीड है 281 किलोमीटर पर आवर। इसमें यूज हुआ है 2 LHTEC CTS-800 4A टर्बोशाफ्ट इंजन। इसकी एंड्यूरेंस है 3 आवर और सर्विस सीलिंग है 15,000 feet। इसमें एक M197 गन का यूज हुआ है। वही अगर J-10ME या J-10E को देखें, तो इसे चंघाई एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। ये 2012 से ही PLA में सर्विस दे रहा है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 7000 किलोग्राम और मैक्सिमम स्पीड है 270 किलोमीटर पर आवर। इसमें पावर प्लांट के तौर पे यूज हुआ है 2WZ9 टर्बोशाफ्ट इंजन। इसकी सर्विसिंग है 21,000 फीट और रेंज है 800 किलोमीटर। आप अगर गौर करें तो हर मामलों में ये चाइनीज हेलीकॉप्टर टर्किश T-129 से बेहतर है, चाहे वो एवियोनिक्स हो या फिर परफॉर्मेंस ही क्यों ना। मगर फिर भी पाकिस्तान इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसका कारण शायद मुझको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी व्यूअर्स जानते हैं। और आप अगर T-129 और J-10E के डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं जरूर लाऊंगा। तो बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की ओर। तो ये आ रहा है हमारे ब्रह्मोस NG से। तो कुछ दिन पहले हमारे ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD सर अतुल दिनका जी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि ब्रह्मोस NG की डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और ये अपना पहला ट्रायल के लिए रेडी हो जाएगा 4 साल के अंदर ही। उन्होंने इसकी डिटेल्स देते हुए ये बताया है कि ये अपनी प्रेजेंट वर्जन यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से साइज और वजन के मामलों में लगभग हाफ होगा, ताकि इसको हमारे लाइट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस में भी फिट कराया जा सके। और ये एक नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होने जा रहा है। इसकी स्पीड Mach 5 से कम और Mach 4 से ज्यादा होगा, यानी आप 4.5 से 5 Mach के बीच इसको रख सकते हैं। ये एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल होगा जो एंटीसिप और ग्राउंड अटैक रोल को परफॉर्म कर सकेगा। डेवलपमेंट के बाद इसको लखनऊ बेस्ड फैसिलिटी में प्रोडक्शन किया जाएगा। इसी के साथ हम आज के अपडेट को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।